अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का जो नुस्खा लेकर आया हूँ, मेरे एक दोस्त हकीम साहब वो अक्सर मुझसे मशवरा करते रहते हैं, तो उनकी डिमांड पर ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। तो ये नुस्खा आज का जो है, ये बवासीर खूनी हो या बादी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पहले नाज़रीन, बवासीर के बहुत से पेशेंट मेरे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हो गए, और ऐसे मरीज़ भी आए कि जिन्होंने ऑपरेशन भी करवाया लेकिन बाद में बवासीर की अलामत फिर पैदा हो जाती है। तो पहले नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बवासीर अगर बादी की वजह से हो या खून आ रहा हो या मौके हो गए हों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले दिन की दवाई से ही मरीज़ ठीक हो जाएगा। और ये वाला नुस्खा अफ़आल और असरात के लिहाज से गुदी असाबी भी है, और इसके अलावा अजलाती गुदी और गुदी अजलाती तहरीकों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पहले नाज़रीन, औरतों में बवासीर का मसला हो, बच्चों में हो, मेरे पास बड़े ऐसे पेशेंट भी आए, नौजवान 15 साल 14 साल के बच्चे भी आए कि जिनको बड़ी ख़तरनाक हद तक बवासीर हो जाती है, मौके बन जाते हैं और वो ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मेरी कड़ी चल रही है कि अगर एक मरीज़ ठीक होता है तो वो दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ रेफ़र करता है। तो बवासीर किसी किस्म की भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाएगी। तो नुस्खा की तरफ चलता हूँ, ये आप घर पर बआसानी ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है गंधक आमला सार, दूसरी चीज़ है कलमी शोरा, फिर आगे है फिलफिल दराज, रेवन असारा, रीठे का छिलका, असगंध नागोरी, रसौंत, मगज़ तुख्मे नीम। पैर नाज़रीन, तमाम चीज़ों का सफ़ू बना लें, गंधक तैयार शुदा बाज़ार से, आमला सार का मतलब यही है कि गंधक तैयार शुदा ये बाज़ार से मिल जाती है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह कूट कर छान कर बारीक पाउडर सबू बन जाए, तो पहले नाज़रीन ये खुराक आपकी 5 रत्ती सुबह दोपहर और रात को पानी के साथ मरीज़ को दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मरीज़ की मुर्गन गज़ाएँ, खाने में तेल की ज़्यादा ज़्यादती जो इस्तेमाल, लोग ज़्यादा घी वगैरह तेल डालते हैं वो कम से कम दें, नमक कम से कम इस्तेमाल करें, और चीनी और चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर दें। मतलब ये है कि जड़ा इंसान का बनाया हुआ मिठा है वो बंद करना है, तो रब की जड़ी मिठास है सब खानी है। अल्लाह ताला ने जो फलों में मिठास रखी है, किसी चीज़ में भी अल्लाह ताला की तरफ से जो मिठास है वो आप खाएं, लेकिन इंसानी बनाई हुई मिठास आपने नहीं खानी। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, आप दुआएं देंगे। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343-416-7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।